यूपी और बिहार में दाल की पूड़ी सभी को पसंद आती है। इवन हर ओकेजन में, हर फेस्टिवल में, शादी में, कोई भी अच्छी सी शुभ मुहूर्त हो, दाल की पूड़ी बनना ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जो तला हुआ नहीं खाते हैं, कम तेल का खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं वैसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ, दाल की रोटी, जिसे आप इंस्टेंटली बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चना दाल। चना दाल को मैंने भिगोया नहीं है। अगर आपको तुरंत खाने का मन करे तो आप फटाफट से दाल पराठा बना सकते हैं। तो ये बिना सोख किया हुआ चना दाल है, मैं बस इसको धो लूँगी अच्छे से, दो तीन पानी से धो लीजिए। आप चाहें तो आप इसे रात भर सोख करने के लिए रख सकते हैं, मतलब आप इसे सोख कर दीजिएगा तो दाल फूल जाएगी। मगर आपको अगर इंस्टेंटली खाने का मन हो, दाल की पूड़ी या दाल का पराठा, तो आप बिना सोख किए भी बना सकते हैं। तो चना दाल को मैंने धो लिया है, और इधर हम कुछ मसाले को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है, तेज पत्ता ले लिया है, धनिया का पाउडर है, तो आधी आधी छोटी चम्मच मैंने लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी ले लेंगे और लाल मिर्च स्वाद के अनुसार ले लेंगे, और बाकी के मसाले हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बनाने का। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में हम डाल देंगे ज़रा सा तेल। मैंने बहुत कम तेल डाला है, ये ऑलिव ऑयल है, आप अपने पसंद की कोई भी तेल को यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तब हम सारे मसालों को डाल देंगे और फटाफट से इसे चलाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है, तब हमें यहाँ पर डाल देना है चना दाल जो हमने धो करके रखा था, और उसके बाद हमें पानी डालना है। तो पहले हम चना दाल को थोड़ा सा मसालों के साथ सौते कर लेंगे 30 सेकंड्स के लिए, और तब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और कम भी मत डालिएगा। कम डालिएगा तो दाल जल जाएंगे, ज़्यादा अगर डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में हम इसे सुखा सकते हैं। तो अगर आप 1 कप दाल ले रहे हैं तो 2.5 से 3 कप पानी डाल दीजिएगा, और फिर हम इसको 3 से 4 विसल लगा लेंगे ताकि दाल जो है अच्छे से पक जाए। इसी बीच में हमें डाल देना है नमक, स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा, और फिर हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। घर का गरम मसाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा सा खुशबू आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो अगर आपके पास घर का बना हुआ गरम मसाला है तो वो डालिए, और फिर इसे मिला दीजिए। मिला देने के बाद हमें 3 से 4 विसल प्रेशर कुक कर लेना है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है और इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाता है। तो इधर हम इसको कुक होने देंगे, मतलब प्रेशर कुकर को विसल लगने देते हैं, दूसरी तरफ हम डो रेडी कर लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, उसमें हमें डाल देना है अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठे का या फिर पूड़ी का, और फिर ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है। ज़रा सा नमक डाल दिया है मैंने, तो दाल में भी नमक है तो आटे में हम उसके हिसाब से ही डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसे मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो रेडी कर लेंगे। तो पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, फिर हमें इसका डो रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, इसे हम एक तरफ रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि आटा जो है वो सेट हो जाए। और इधर हमारा दाल भी कुक्ड हो गया, लेकिन देखिए ज़रा सा पानी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसे हम हाई फ्लेम में सुखा लेंगे रख करके। तो देखिए दाल बिल्कुल पक गई है, लेकिन हमें पानी को सुखाना है, तो हाई फ्लेम करेंगे और दाल का पानी सुखा लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि कम मत डालिएगा, ज़्यादा हो तो चलेगा। और अब हमें इसे अलग से कुछ भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुकर में ही मैश हो जाएगा, आप मैश इसको कर लीजिए। ये देखिए बहुत ईजिली मैश हो जाता है, अलग से कोई झंझट नहीं है कि आपको पीसना है या फिर ग्राइंड करना है। अब इसको हम एक बोल में निकालेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप जब मन चाहे बना करके खा सकते हैं, जब गेस्ट भी आ जाए तो आप इसे इंस्टेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ते डाल दिया है टेस्ट के लिए, और इसको मिला देंगे। अभी तो फेस्टिवल का टाइम है, छठ भी आने वाली है और भाई दूज भी है, और जनरली यूपी बिहार में कोई भी गेस्ट आते हैं, मेहमानों का स्वागत दाल की पूड़ी खीर सब्जी के साथ करते हैं, या फिर शादी विवाह में दाल पूड़ी ही चलती है। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे डो का पोर्शन बना लिया है, तो 1 डो के पोर्शन को ले लेना है। थोड़ा सा आटा ग्रीस कर लेंगे, सूखा हुआ आटा, और फिर हाथों से इसको हम इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। बहुत आसान है, या फिर आप चाहें तो इसे बेल सकते हैं और फिर स्टफिंग कर सकते हैं। तो मैं कटोरी का शेप दे देती हूँ, मुझे आसान लगता है। अब हम यहाँ पर स्टफिंग करेंगे दाल के मसालों की। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, लेकिन हाँ अच्छे क्वान्टिटी में भरिए ताकि जब आप खाएँ तो पता चलना चाहिए कि आप दाल रोटी खा रहे हैं। तो उस क्वांटिटी में भरिए, और फिर इसे हमें इस तरीके से
रोल करके बंद कर देना है इसके मुंह को, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे आप निकाल दीजिए। और अब हम इसे हाथों से इस तरीके से रोल कर लेंगे और फिर आटे का डस्ट लगा लेंगे। थोड़ा सा आटा लगा लीजिए या फिर आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए। तो बस हमें इसे रोटी का शेप दे देना है, इसे बेल लेना है। तो बहुत पतला या बहुत मोटा मत रखिएगा, मीडियम होना चाहिए। ये देखिए आप थिकनेस देख सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ मैंने तवा को ऑलरेडी गर्म होने को रख दिया है। इसमें हम रोटी को डाल करके सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप जितना तेल चाहें, घी या फिर जो भी आपको पसंद है, या कम तेल घी में भी आप इसको डाल करके सेक सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात है आप इसे बिना तेल घी के भी सेक सकते हैं, ये अच्छे से सिक जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और दोनों तरफ से इसे हमें लाल होने तक सेक लेना। तो ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी बनी है, रोटियाँ भी फूलती हैं बिल्कुल पूड़ियों की तरह। और इसको आप सब्जी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो हो गया ना हेल्दी पराठा बनकर तैयार। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।